हेलो एवरीवन आई एम मोनिका शर्मा टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी क्लास इलेवन द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन अब कल क्या बताया था मैंने कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी व्हाट इज ज्योग्राफी एंड देन द रिलेशन बिटवीन द ज्योग्राफी एंड द सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज ये बताया था यहां पे बेटा एक टर्म यूज किया गया है पीडोलॉजी मे बी आपको पता होगा पीडोलॉजी का मीनिंग पीडोलॉजी मीन्स होता है ये कल मैंने बताया था आपको पीडोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ साइल दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सॉइल ओके इसमें आप सॉइल का स्टडी करते हो ये ब्रांच ऑफ साइंस है ठीक है अब देखो अब द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट वेरिएशन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन इट्स फिजिकल एज वेल एज कल्चरल एनवायरमेंट अब हम, हमें पता है कि जो अर्थ सर्फेस है वहां पे वेरिएशन हैं केवल फिजिकल फीचर्स में ही नहीं कल्चरल डेवलपमेंट्स में भी ठीक है जो इसका कल्चरल एनवायरनमेंट है वहां भी अब फिजिकल फीचर्स मतलब आपको कल भी मैंने बताया था जैसे माउंटेन्स हिल्स वैलीज प्लेन प्लेट्यू एक्सेट्रा एंड देन द कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होना मतलब वहां का रहन सहन अलग होना ठीक है तो ये इसमें भी डिफरेंस है अ नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड मैनी आर डिसिमिलर अब कई जगह पे क्या है कई फिनोमिना जो हैं वो सिमिलर हैं मतलब एक सी हैं और कई जगह पे क्या है डिसिमिलर हैं यानी अलग अलग हैं इट वॉज देअर फोर लॉजिकल टू परसिव ज्योग्रफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन इसलिए जोग्रफी को एक एरियल डिफ्रेंसियन कहा गया है अब एरियल डिफ्रेंसिएशन का मतलब कि हर तरह से एज अ होल स्टडी करना एज अ होल स्टडी मतलब कि आप फिजिकल फीचर के बारे में भी स्टडी कर रहे हो आप कल्चरल फीचर्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हो आप ह्यूमन्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हो मतलब कि एज अ होल स्टडी करना ठीक है तो ज्योग्राफी में हम यही करते हैं एरियल डिफरेंसिएशन है ये स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंसिएशन दस ज्योग्रफी वॉज परसिव टू स्टडी ऑल दोज फिनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस ज्योग्राफी डो नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमिना ओवर द अर्थ सर्फेस बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशन विद द अदर फैक्टर्स विच कॉज दीज वेरिएशन अब हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज्योग्राफी में हम केवल फिनोमिना जो कि अर्थ सरफेस से रिलेटेड है उसका स्टडी नहीं करते बल्कि हम उसके कॉज के बारे में भी स्टडी करते हैं जो इन वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फैक्टर्स का स्टडी भी करते हैं जो इन वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन बट दीज वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज अ फिनोमिना इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन सॉयल क्लाइमेट डिमांड्स इन द मार्केट कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट अवेलेबल टू हा हिम दस द कंसर्न ऑफ जोग्रफी इज टू फाइंड आउट द कैजल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना अब देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है की जैसे क्रॉपिंग पैटर्न है वो अलग अलग है ठीक है अलग अलग है रीजन के हिसाब से रीजन बाय रीजन वेरी करता है ये ठीक है लेकिन इससे रिलेटेड जो है वेरिएशन ये जो वेरिएशन है ये किस पे डिपेंड है सॉइल पे क्लाइमेट पे डिमांड इन द मार्केट कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट ठीक है इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ये तो जो, जो जोग्राफी है उसमें क्या करते हैं उसमें फाइंड आउट करते हैं कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना किन्हीं भी दो फिनोमिना के बीच का रिलेशनशिप या फिर मोर देन टू वो मोर देन वन फिनोमिना के बीच में ठीक है अब देखो अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने वाले हो अ जियोग्राफर एक्सप्लेन द फिनोमिना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज इट डज नॉट ओनली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन बट ऑल्सो फोर्सेस द फिनोमिना इन फ्यूचर अब देखो क्या है ये कि जो ज्योग्राफर जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं जो ज्योग्राफी जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं किस फिनोमेना में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अब इसका मतलब समझना जैसे कि मैंने बोला डेकन प्लेट्यू है आपको मालूम है डेकन प्लेट्यू ठीक है इंडिया में है तो डेकन प्लेट्यू में कॉटन बहुत ज्यादा होता है ठीक है अब कॉटन बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या है ये आपने एज अ एज अ फैक्ट आपने इसको रीड किया ठीक है आपने इसको लर्न कर लिया लेकिन जब आप इसका कॉज ढूंढने जाओगे कि ऐसा हो क्यों रहा है अब मैंने बोला डेकन प्लेट्यू में ठीक है लेकिन अगर मैं बोलू ये पंजाब हरियाणा वाले रीजन में तो नहीं होता वहां क्यों नहीं हो रहा कॉटन तो वहां की ज्योग्राफी में वहां के फिजिकल फीचर में डिफरेंस है वहां की सॉइल अलग है वहां का एन्वायरमेंट अलग है इस वजह से नहीं हो रहा यानी कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसमें आप क्या करते हो कि से क्वेश्चन करते हो ठीक है कि क्यों हो रहा है ऐसा आप उसका कॉज ढूंढते हो और जब आप उसका कॉज देखोगे तो उसके इफेक्ट के बारे में भी आपको मालूम चलेगा ठीक है इफेक्ट भी आप उसका देखोगे उस पर्टिकुलर एरिया में तो इससे क्या होता है इससे केवल आपको ये मालूम नहीं चलता कि ऐसा क्यों रहा है बल्कि ये भी मालूम चलता है कि आगे क्या होने वाला है ठीक है यानी कि आप इससे फोर सी भी डिसाइड कर सकते हो और फोरकास्ट भी कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है ठीक है अब देखो द जोग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होते गए डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते गए ज्योग्रफिकल एरिया में तो ये ज्योग्राफिकल एरिया में जो फिजिकल फीचर्स में ही ये केवल चेंजेस नहीं हुए हैं ये बल्कि ह्यूमन ज्योग्रफी में भी चेंजेस हुए हैं कैसे चेंजेस हुए हैं जैसे कि फूड हैबिट्स में चेंजिंग क्लोदिंग में चेंजिंग ये सब क्या है ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ठीक है तो यही इसमें कहा गया है कि ये स्टैटिक नहीं है मतलब एक जैसा नहीं हो सकता ये हाईली डायनेमिक है ये डे बाय डे चेंज हो रहा है दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रेक्टिक इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अब यहां पे देखो यहां पे क्या किया गया है यहां पे एक एग्जाम्पल कोट किया गया है जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है प्राइमेटी ह्यूमन सोसाइटी वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट environment geography, thus बी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन एज अ इंटीग्रेटेड होल ह्यूमन एज एन इंटीग्रेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर है इंप्लेंस ऑफ ह्यूमन मतलब कि प्राइमेटिव सोसाइटी में क्या होता था ये डायरेक्टली डिपेंडेंट थे किसमें इन्वायरमेंट में लेकिन डे बाये टेक्नोलॉजी के हिसाब से डे बाये चेंजेस होते गए अब लेकिन जो जोग्राफी है वो क्या है वो है स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंट्रेक्शन एज अ इंटीग्रेटेड होल यानी कि इन दोनों को साथ में लेके चलना है ठीक है यानी कि इन दोनों का स्टडी एज अ होल क्या होता है ज्योग्राफी होता है और ह्यूमन जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर है और नेचर क्या है एंट्रिंस ऑफ ह्यूमन है ठीक है अब देखो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द इंट्रेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हैव बीन वेरी सक्सिंकली डिस्क्राइब बाय अ पोएट इन द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर गॉड अब देखो एक पोएट है जिन्होंने यहां पे बहुत ही अच्छी पोएम कोट की है यू क्रिएटेड द सॉइल आई क्रिएटेड द कप यू क्रिएटेड नाइट आई क्रिएटेड द You यू क्रिएटेड वाइल्ड हिली ट्रेन एंड deserts. आई क्रिएटेड फ्लावर बर्ड्स एंड गार्डन तो इस पोएम में क्या बता रहा है इस पोएम में आपको जो नेचर है और जो ह्यूमन बीइंग है उनके बीच का रिलेशन बता रहा है कि आपने सॉइल क्रिएट किया मैंने कप क्रिएट किया आपने नाइट क्रिएट किया मैंने लैम्प क्रिएट कर दिया आपने हिली ट्रेन और डेजर्ट्स क्रिएट किए और मैंने क्या किए फ्लावर बर्ड्स एंड गार्डन्स क्रिएट कर दिए ठीक है तो ये क्या है ये एक पोयम है जो कि ह्यूमन बींग्स और नेचर के रिलेशनशिप को बता रहा है ठीक है अब देखो बेटा यहाँ थ्री क्वेश्चन हैं जैसे लिखा हुआ है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चन ठीक है थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ में इसको लेते हैं ज्योग्राफी को तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ दीज आर द क्वेश्चन अबाउट वॉट यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन है नेचुरल एंड कल्चर फीचर्स का कल्चरल फीचर्स का तो उसको अर्थ सरफेस पे उसको किसे लेते हैं से यानी कि किस तरह का क्या है ठीक है आइडेंटिफाई करना अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो नेचुरल और ह्यूमन कल्चरल फीचर्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है तो उस क्वेश्चन को किससे लेते हैं वेयर से लेकिन जब ये थर्ड क्वेश्चन इनके साथ में आएगा तब ये क्या बनेगा ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बनेगा ठीक है अभी तक ये साइंस में डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम ठीक है हम क्या देख रहे हैं हम केवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस पे लेकिन जब थर्ड क्वेश्चन क्या है अब ये अगर थर्ड क्वेश्चन भी मिला देते हैं इसमें ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मिला देते हैं तो ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एक्सप्लेन किया जा सकता है अब वो थर्ड क्वेश्चन क्या है द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड द फिनिना यानी कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच का फीचर्स का चाहे वो फिजिकल फीचर्स हो चाहे वो कल्चरल फीचर्स हो और उनकी प्रोसेसिस और उनके फिनोमिना का रिलेशनशिप यानी कि और इसको किससे क्वेश्चन करते हैं वाई से अब ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसमें कॉज ढूंढ रहे हो अब कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और जब आप कॉज ढूंढ रहे हो मतलब आप एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो ठीक है समझ में आया अब देखो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्स नोट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रिब्यूट अब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये स्पेस से रिलेटेड ठीक है स्पेशल अगर ये वाला वर्ड आ जाए स्पेशल जो आए तो इसका मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड तो जो जोग्रफी है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एटीट्यूट से रिलेटेड है स्पेस से रिलेटेड है बेसिकली इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द फिनोमेना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रेट्स देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दीज पैटर्न्स यानी कि क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ फिना ओवर स्पेस यानी कि क्या करना देखना लोकेशन ठीक है फाइंड आउट करना किसी स्पेस की उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है ठीक है इन सब का पूरा एज अ होल स्टडी क्या है एक ज्योग्राफी जो, को एज अ डिफाइन करता है ठीक है अब देखो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन अब देखो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस इट अम अटेप स्पेशल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस अब ध्यान से सुनना यहाँ दो वर्ड आए हैं एक तो है स्पेशल सिंथेसिस क्या होता है दूसरा है टेम्पोरल सिंथेसिस क्या होता है स्पेशल सिंथेसिस का मतलब होता है अलग अलग जगहों की स्टडी को कम्बाइन करके पढ़ने व समझने की कोशिश करना ये क्या है ये स्पेशल सिंथेसिस है स्पेशल का मतलब क्या बताया मैंने मैंने बताया स्पेस से रिलेटेड जगह से रिलेटेड ठीक है और टेम्पोरल सिंथेसिस टेम्पोरल अगर वर्ड आ जाए तो ये टाइम से रिलेटेड है तो अब जैसे लिखा हुआ है हिस्ट्री अटेम्थ टेम्पोरल सिंथेसिस यानी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम के हिसाब से क्या है अलग अलग जगह के अलग अलग जैसे एम्पर रहे होंगे ये एग्जाम्पल लिया ठीक है तो उसकी स्टडी करना मतलब एज अ होल स्टडी वो क्या है वो है ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी अटेम्प स्पेशल सिंथेसिस एज वेल एज द टेम्पोरल सिंथेसिस ठीक है इट अप्रोच इज हिस्टोरिक इन नेचर इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी इसका मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी है वो क्या है मतलब वो इंटरडिपेंडेंस जो वर्ल्ड है वो इंटरडिपेंडेंसी सिस्टम पे चलता है ठीक है अब देखो द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बींग प्रोवाइडेड एज अ ग्लोबल विलेज यानी यहां पे क्या है जो वर्ल्ड है वहां पे मतलब जोग्राफी में जो वर्ल्ड है जो संसार है ठीक है उसको क्या लेते हैं उसको एज अ ग्लोबल विलेज लेते हैं द डिस्टेंस हैव बीन बाय बेटर हैीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी यानी जो डिस्टेंस है वो अब देखो पहले के समय में क्या होता था पहले के समय में एक एग्जाम्पल देती हूँ जो लिखा हुआ है उसकी उसका एग्जाम्पल कि जैसे पहले के समय में क्या ये पॉसिबल था कि आप विद इन ट्वेंटी आवर्स पूरे अर्थ का चक्कर लगा के आ जाओ नहीं था लेकिन आज के समय में पॉसिबल है कैसे बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है इंक्रीज हो गया है इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी भी है इसकी ठीक है इसके अलावा ऑडियो विजुअल मीडिया है जिसके साथ में आप ऑनलाइन कनेक्ट हो ही रहे हैं अपन ठीक है तो इसके थ्रू आप बहुत दूर से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हो लेकिन पहले ऐसा नहीं था और ये सब हो किस लिए रहा है ये सब हो रहा है आईटी के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अब टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड बेटर चांस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विथ न्यूमिर नेचुरल एंड सोशल साइंसेज all the sciences whether natural or social have one basic objective of understanding the reality geography attempts to comprehend the associations of phenomena related in section of reality आप देखो जो ज्योग्राफी है ज्योग्राफी क्या है ज्योग्राफी एज अ होल स्टडी है मैंने पहले बताया तो इसमें वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे आप पूरा एक स्टडी को परफॉर्म कर सकते हो मतलब स्टडी कर सकते हो किसी भी चीज की आजकल के समय में तो ये क्या है ये ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है ठीक है समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं ठीक है अब देखो जैसे कि अब जो फिगर 1.1 है जो यहाँ पे है वहां पे क्या दिया हुआ है फिगर 1.1 अभी पढ़ाने वाली हूं मैं आपको वहां पे डिफरेंट डिसिप्लिन डिसिप्लिन दिए हुए हैं ठीक है यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस दिया हुआ है और इसके अलावा जो ज्योग्राफी है वो दिया हुआ है ठीक है मतलब उसका जो जैसे कि पीडोलॉजी हो गया जैसे जूलॉजी मैंने बताया था ये सब पूरा दिया हुआ है ठीक है वो पूरा डायग्राम है वो समझाती हूँ मैं तब आपको आएगा समझ में अब बेटा मैंने क्या बोला फिगर 1.1 के बारे में बोला ठीक है अब फिगर 1.1 में क्या है कि जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस हैं उसका ज्योग्राफी के साथ रिलेशन अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस ये सब रिलेशन बताया हुआ है इसमें ठीक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास थैंक यू